आपने भी ज्ञान प्राप्त किया किसी आशय से। भगवान की शरण में रहकर भी आपका मन शांत नहीं हुआ। आप प्रतियोगिता करते रहे कहीं दूर बैठे अर्जुन के साथ। मैं लौटूंगा, पर इतना विश्वास दिलाकर जाता हूँ कि मैं भारतवर्ष का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनकर लौटूंगा और आपके सभी शिष्यों से श्रेष्ठ बनूंगा मैं। ज्ञान प्राप्ति का आपका आशय ही अनुचित था, तो इस विद्या का विस्मरण कैसे नहीं होता अंगराज? कैसे नहीं करता मैं प्रतियोगिता वासुदेव? कैसे समझौता कर लेता अपने जीवन के साथ? ये समाज निरंतर ही मेरी संभावनाओं को कुचलता रहा है, मेरी शक्ति को सम्मान नहीं दिया, मेरे सपनों को स्वीकार नहीं किया, सदा ही सूत पुत्र कहकर अपमानित करता रहा है मुझे। अपने पिता की बात मान लो, क्योंकि उन्हें ज्ञान है कि सूत में सामर्थ्य नहीं होता। ईश्वर की दी हुई संभावना मनुष्य का अधिकार है वासुदेव, और ये समाज किसी को उसके अधिकार से किस प्रकार वंचित कर सकता है? अवश्य ही ये घोर अपराध है राधे, जाति पाति का भेद करना और इन मिथ्या भेदों के आधार पर किसी मनुष्य को या समाज के किसी भाग को अधिकार से, अवसर से, संपत्ति से या सम्मान से वंचित रखना मानवता के विरुद्ध है। तो फिर मेरा क्या दोष है वासुदेव? यदि मेरे मन में असंतोष जन्मा, यदि मैंने प्रतियोगिता की, यदि मैंने बलपूर्वक अपना अधिकार प्राप्त करने का प्रयत्न किया, तो मेरा क्या दोष है वासुदेव? एक समय था अंगराज, जब कृतवीर के पुत्र कार्तवीर अर्जुन नाम के एक क्षत्रिय राजा ने महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। महर्षि के पुत्र ने क्या किया जानते हैं आप? उन्होंने अपनी पीड़ा में भी विचार किया कि क्यों उनके पिता महर्षि जमदग्नि की हत्या की गई, कहां फैला था अधर्म। उन्होंने अपनी पीड़ा का विस्मरण कर दिया, समग्र समाज की पीड़ा को अपना लिया और अधर्मी क्षत्रियों का नाश कर समग्र आर्यवर्त को शुद्ध करने को जीवन मंत्र बना दिया। वो केवल प्रतिशोध लेकर बैठते तो आज भगवान परशुराम नहीं कहलाते। हाँ राधे, आपको जो दुख और अपमान मिले वो वास्तविक थे, किंतु आप उन्हें अवसर बना लेते तो समाज का उद्धार होता और आपका कल्याण होता। आप जैसे शक्तिमान मनुष्य का आधार यदि अन्य शोषित और पीड़ित लोगों को मिल जाता तो कितने जीवन सुख से भर जाते। आपके पास संभावना भी थी, सामर्थ्य भी था और उस पीड़ा का अनुभव भी था, किंतु आपने अपना जीवन उन्हें समर्पित नहीं किया। आपने अपना जीवन समर्पित कर दिया दुर्योधन को, जिसके पक्ष में केवल अधर्म था और कुछ नहीं। अब देखिए अपनी स्थिति, आप दुर्योधन के पक्ष में खड़े रहे, आप पांचाली के वस्त्र हरण जैसे पाप के भागी बने, आप अपनी माता का सम्मान नहीं कर पाए, अपने ही भाइयों के दो दो पुत्रों की हत्या की आपने और आज अपना धर्म गंवाकर, अपनी विद्या गंवाकर, अपना संतोष गंवाकर अपने ही अनुज के हाथों मरने के लिए सज खड़े।